अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। वी स्टार्ट आवर लेक्चर विद प्रेयर, रब्बी जिदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग ऑक्सफोर्ड कंप्यूटर वेज ऑफ ग्रेड 4। स्टूडेंट्स, वी आर ऑन पेज नंबर 21 एंड हेयर इज टू एक्टिविटीज फॉर यू, सो यू कैन राइट देयर आंसर्स ओवर हेयर। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन मीनिंग, like way of sending information by using technology, and then organizing groups so they work together properly. So here are the blanks and you can write their answer over here. Which part of CPU is used for the following? Here few questions are given to you and you write their answers over here after thinking about them. To calculate the total books an author has sold, to get the scanned copy of picture, to see a flight schedule on the monitor, and to retrieve data stored on computer. Students, we are on page number 22. Disk drives are attached to CPU. Disk drivers are storage devices. They are either housed within a computer or in an external box. Disk driver CPU के साथ attached होते हैं। ये storage devices हैं, which mean इनके अंदर data को save किया जाता है। They can either be connected directly to computer, housed within a computer or in an external box. Like आप PC में देखते हैं, CPU में एक external box बना होता है जिसमें हम CD को insert करते हैं। कुछ डिवाइसेज ऐसी होती हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती हैं। द हार्ड डिस्क ड्राइव HDD इज यूजली मेड अप ऑफ सेवरल डिस्क। द डिस्क आर सील्ड इन एन एयर टाइट केस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डस्ट। HDD यूजली जो है वो सेवरल डिस्क इनके कुछ डिस्से मिलकर बनती हैं। दे आर सील्ड इन एन एयर टाइट केस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डस्ट। मट्टी वगैरह से उनको बचाने के लिए उनके ऊपर सीलिंग की जाती है। Each disk store data which increase storage space. Data and programs stored on the disk drive can easily be accessed. हर ड्राइव, क्योंकि बहुत सारी ड्राइव से मिलकर बनी है, इसलिए हर ड्राइव में डाटा स्टोर करने की वजह से इसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है और काम करने की स्पीड भी ज़्यादा है। यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव। द CD driver enables us to create CD-ROMs and audio CDs. We can copy and save data on CD. CDs के जरिए हम CD-ROM वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, अपनी ऑडियो को सेव कर सकते हैं CDs के अंदर। The DVD drive is used to save and read data on DVDs. DVD drive से हम DVD का डाटा पढ़ सकते हैं, मतलब उसको देख सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ स्टोर है। We can store large amount of data such as film on DVDs. DVDs के ऊपर films जो कि बहुत बड़ी होती हैं, अमाउंट में ह्यूज होती हैं, उनका साइज बड़ा होता है, उसको भी हम स्टोर कर सकते हैं। द USB पोर्ट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट एंड इज लिंक्ड टू कंप्यूटर। वी कैन अटैच इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड द USB फ्लैश ड्राइव टू द USB पोर्ट। USB आप लोगों ने देखी होंगी, इतनी स्मॉल सी एक बबल साइज की डिवाइस होती है जिसके अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है, जो कि हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसके लिए सेपरेट एक पोर्ट बना होता है CPU के साथ।